हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 5.2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 में अपने को क्या पढ़ना है, यहाँ पे अपने को पढ़ना है सम निकालना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। और सम किस चीज़ का निकालना है, जैसे अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 में क्या सीखा था, एपी बनाना सीखा था हम लोगों ने। ठीक है, एपी बनाना सीखा था या फिर टर्म निकालना सीखा था। अगर बीच में से कोई सभी टर्म बोल दिया जाए आपको निकालने के लिए, जैसे A20 निकालने के लिए बोल दिया जाए, A50 निकालने के लिए बोल दिया जाए, ये तो टर्म थे। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे मान लीजिए आपका एक एपी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये एक एपी दिया है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 4, 6, 8 जाते जाते कहाँ तक जा रहा है, ये हमारा 100 तक जा रहा है। ये आपका एपी हो गया जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। यहाँ पे इस वाले एक्सरसाइज में ऐसा दिया रहेगा कि क्या करना है आपको, सम निकालना है। मतलब 2 से लेकर 100 तक जितनी वैल्यूज़ है सबको ऐड करना है। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 करते करते कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जहाँ पे आपसे क्या बोला जाए, सम फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सम फाइंड करने के लिए फार्मूला है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास SN = N/2 इन ब्रैकेट 2A + N-1 (D). उसके बाद फिर ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो गया आपका फार्मूला किसके लिए, सम ऑफ एन टर्म्स के लिए, सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फार्मूला है। एक फार्मूला और यूज़ कर सकते हैं हम लोग सेम उसी के लिए, सम ऑफ एन टर्म्स के लिए ही है, SN = N/2 (A + L). देखिए, यहाँ पे ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, ए का मतलब क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म, मतलब जो सीरीज का फर्स्ट टर्म होगा वो ए होगा, और एल क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म है। किसी भी सीरीज का लास्ट टर्म उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो सीरीज बन रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2 है और लास्ट टर्म क्या है, एल है। ठीक है, तो 5.2 जब पढ़ा रहा था मैं आपको, तो बताया था कि लास्ट टर्म को हम लोग या तो एल से आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एल से कर सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग कभी कभी an भी लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग, an भी लिखते हैं। तो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन के हिसाब से an भी लिख सकते हैं और यहाँ पे लास्ट टर्म l भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो फार्मूला है केवल यहाँ पे, और ये इसी दो फार्मूला और पीछे का जो एक फार्मूला बताया था मैंने, an = A + (N-1)D। ठीक है, एक फार्मूला ये और दो फार्मूला ये टोटल 3 फार्मूला है केवल इस एक्सरसाइज में। अगर इस फार्मूला को आप अच्छे से समझ गए और यूज़ करना जान गए, तो आपका ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। क्या करना है, एक यहाँ पे एपी दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला है। अब देखते हैं ये एपी है हमारे पास, इसमें क्या क्या वैल्यू दी है, सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो एपी है उसमें से अपने को क्या पता है, A = 2, D = 7-2 मतलब 5, और यहाँ पे N ये जो दिया है ना, अप टू 10 टर्म्स दिया है, तो ये लास्ट टर्म नहीं है। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है 2, 7, 12, 2, 10 टर्म, मतलब 10 टर्म तक जा रहे हैं। तो ये क्या है आपका, N है। ठीक है, ये क्या है आपका, N है। N = 10, बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, SN = N/2 (2A + N-1)D। ठीक है, तो यहाँ पे सारे वैल्यू अपने को पता है, N पता है, D पता है, ठीक है, और A पता है, वही 3 वैल्यू पुट करने थे, पुट करिए आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, याद रहेगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 का बाकी जो भी क्वेश्चन है उसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया था, एक एपी बना हुआ था, यहाँ पे एन का वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये जो वैल्यू दिया है अब 2 10 टर्म्स, मतलब ये N = 10 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से आपको ए मिल गया और डी मिल गया, क्योंकि अपने सम निकालने के लिए 3 ही वैल्यू चाहिए। क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए। इतना मिल गया तो हम सम निकाल सकते हैं इजीली, ये फार्मूला लगा करके सम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ आपके पास, मतलब एक सीरीज़ बन रहा है जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 7, सेकेंड टर्म है 10, होल 1/2, उसके बाद 14, और ये कहाँ तक जा रहा है, 84 तक जा रहा है। मतलब यहाँ पे अपने आपको फर्स्ट टर्म पता है, यहाँ पे लास्ट टर्म भी पता है, मान लीजिए डी भी निकाल सकते हैं, ए पता है, एल पता है,
आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डी भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ की यहाँ पे एन का वैल्यू तो दिया नहीं है, ठीक है। और जो सम निकालने के लिए आपको एन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना एन का तो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से एन फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज 5.2 में जैसे सॉल्व करके हम लोग एन फाइंड करते थे बाई फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन डी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाला ये 7 क्या हो जाएगा, ये होगा आपका ए, डी आप निकाल सकते हैं माइनस करके। ये जो लास्ट वाला है तो मैंने क्या बताया था, इसको आप एल इक्वल टू 84 एल भी ले सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, या ए एन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर सम निकालना होगा तो आप एज एल यूज़ करेंगे, अगर आपको यहाँ पे एन फाइंड करना है तो आप इसको ए एन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला पुट करिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो वहाँ से आपको एन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, ए इक्वल टू हो जाएगा 7, एल इक्वल टू 84, इसी को हम ए एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और डी निकल जाएगा 10 होल 1/2 माइनस 7, सॉल्व किए तो कितना आया 7/2 आया, ठीक है। तो देखिए ये वाला फार्मूला लगाते हैं जो एक्सरसाइज 5.2 में हम लोगों ने पढ़ा था, ये फार्मूला लगा करके आप पूरा सॉल्व करिए, क्या मिलेगा आपको, एन का वैल्यू मिल जाएगा। अब एन का वैल्यू मिल गया तो सम के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो सम के लिए दो फार्मूला जो मैंने बताया था, फर्स्ट फार्मूला क्या था, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन डी, आप ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक और फार्मूला था हमारे पास एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल। ए प्लस एल आप जनरली उस टाइम यूज़ करिए जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, इससे क्या होता है सॉल्व करने में आसानी होती है। आप चाहें तो ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लास्ट टर्म दिया हो तो आप सेकेंड वाला फार्मूला यूज़ करिए, आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखे सेकेंड वाला फार्मूला यूज़ किया है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल। तो एन निकल गया था 23 बाई टू, ए का वैल्यू था 7 और एल लास्ट टर्म कितना था 84। सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद मिल गया आपको 1046.5, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1046 होल 1/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आप जो भी इसके बाकी जो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, फार्मूला लगाना है जो जो मैंने फर्स्ट में बताया वैसे ही सॉल्व करना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत टोटल 10 क्वेश्चन दिए हैं और बाकी सभी के सभी ईजी हैं क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या गिवन है, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, आपको जो फाइंड करना है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कौन सा फार्मूला आप यूज़ करेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बस पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए क्या क्या गिवन है, क्या गिवन है, क्या निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म ए, डी दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टर्म है डी है और ए एन भी है, और अपने को क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास देखा जाए तो अभी तक ए बी का मेन दो फार्मूला है हमारे पास, एक था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एक ये फार्मूला है आपके पास जो कि 5.2 में पढ़ चुके हैं, और सम निकालने के लिए जो दो फार्मूला बताया था वो, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन डी एक ये, या फिर एन बाई टू ए प्लस एल, दोनों से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल तीन फार्मूला है आपके पास, ठीक है, जिसको आपको दिमाग में रखना है और उसी हिसाब से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे a दिया है, d दिया है और an दिया है, वहाँ से n निकालना है। तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, जो फर्स्ट वाला यूज़ किए थे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, सारे वैल्यू दिए हमें, पुट करिए आपका n का वैल्यू ईजिली निकल गया, n निकल गया तो sn भी निकाल सकते हैं। sn इक्वल टू क्या था फार्मूला, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी, तो सारे वैल्यू पता है, पुट करिए, पुट करने के बाद आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जितने भी आगे क्वेश्चन दिया है उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कभी सम दिया रहेगा, कभी टर्म दिया रहेगा, ठीक है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व किया है मैंने यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, A3 दिया है, मतलब एक ए पी का 3rd टर्म दिया है, तीसरा टर्म दिया है, और S10 का मतलब जो ए पी बन रहा है तो स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का सम दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ए मतलब होता है टर्म, क्या होता है टर्म, और एस का मतलब होता है सम, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ए अगर कभी दिया था वो टर्म देगा, उस पर्टिकुलर टर्म के बारे में बोला जा रहा है कि आप ए पी जाइए तो तीसरे नंबर पे आपको 15 मिलेगा, ये टर्म है। और ये सम का मतलब कि ये हमारे पास ए पी बना हुआ है तो स्टार्टिंग के 10 नंबर्स को हम ऐड करेंगे शुरू से
10 नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो सम, ये हो गया एस, ठीक है। और फाइंड क्या करना है आपको यहाँ पे, डी फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस और ए टेन दसवां टर्म फाइंड करना है कि कितना होगा हमारा, ठीक है। तो चलिए, तो जो हमारे पास गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट था ए थ्री इक्वल टू 15, तो ए थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस टू डी इक्वल टू 15, इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर वन। अब क्या करिए, एस टेन, अब एस टेन को उठाइए, एक मिनट, यहाँ पे आप क्या करिए एस टेन को उठाइए, तो जो सम वाला फॉर्मूला था क्या था, एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी, बस ये फॉर्मूला आपको उठाना है, ठीक है। तो एन के जगह पे टेन पुट करना था, यहाँ पे देखिए मैंने टेन पुट कर दिया, टेन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस टेन माइनस वन मतलब 90 इक्वल टू 125 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, ये कट के 5 हो जाएगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। एक मिनट, यहाँ पे एक पेज रिपीट हो गया है, चलिए इसको मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2a प्लस 90 इक्वल टू 125 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए तो कितना मिल जाएगा, 5 5 2 10 5 5 25, कितना मिलेगा 25, मतलब क्या हो गया, इक्वेशन नंबर वन है आपके पास और ये इक्वेशन नंबर टू है आपके पास, ठीक है। अब क्या करिए, जो हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल पढ़ा था, सेम उसी टाइप का है यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या करिए, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल हमारे पास ए है, दूसरा वेरिएबल क्या है, डी है। दो इक्वेशन हमारे पास, ये हो गया इक्वेशन नंबर वन और इसको ले लीजिएगा इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू क्या लिखना है, 2a प्लस 90 इक्वल टू 25, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों मेथड जो कि मैंने पढ़ा चुका है पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ करके ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ए निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, तो ए टेन भी आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ए टेन कैसे निकालेंगे, ए प्लस 90, तो आपको ए मिल चुका और डी मिल चुका, तो ए टेन इक्वल टू ए प्लस 90, फॉर्मूला पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए फोर सॉल्व हो जाता है, खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि एक पेज यहाँ पे रिपीट हो गया मेरे से। हाँ देखिए, इसका जो है ना, एक पेज को छोड़ करके आगे देखिएगा, यहाँ पे सॉल्व किया है मैंने कि जब ए और डी का वैल्यू निकल जाएगा तब क्या करना है आपको, डी इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन और इसको आप सॉल्व करिएगा तो ए इक्वल टू कितना मिलेगा, 17 मिलेगा, ए और डी आपको मिल चुका। तो ए टेन कैसे निकालेंगे हम लोग, ए टेन निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस 90, ए का वैल्यू आपको पता है, डी का भी वैल्यू पता है आपको, और यहाँ पे आप सॉल्व करके ए टेन निकल गया 8, ठीक है। तो वहाँ पे बस एक पेज थोड़ा मिसिंग हो गया था, आप इसको यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, 2a प्लस 90 इक्वल टू 25 मिलेगा, उसके बाद ये इक्वेशन टू और इक्वेशन वन, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करने पे मिलेगा आपको d इक्वल टू माइनस वन मिलेगा और a इक्वल टू मिल जाएगा 17। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको 8n मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन पहले टाइप के हैं जो 5.2 में आप लोगों ने पढ़ा है, वो उसका फॉर्मूला यूज़ करना है, और यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला था वो यूज़ करना है, इक्वेशन बनेगा और उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ए पी मतलब सीधा सीधा बोल रहा है, एन फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, एन फाइंड करने के लिए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ए पी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, मतलब ये ए पी बन रहा है, इसमें हम कितने टर्म्स लें, मतलब एन इक्वल टू कितना लें, कहाँ तक जाएँ कि सम करें तो कितना मिल जाए, 636, ठीक है। तो चलिए क्या क्या गिवन है पहले उसको देख लेते हैं। ये ए पी गिवन है हमारे पास, जिसमें से हम लोग ए और डी ईजिली निकाल सकते हैं। सम गिवन है आपके पास 636, एन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करिए, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सम का वैल्यू पता है 636, एन निकालना है तो एन को छोड़ करके बाकी सब, ए का वैल्यू टू अरे सॉरी 9 है और डी का वैल्यू कितना है 8 है। वैल्यू पुट करिए, सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सिंप्लीफाई करने पे एक्चुअली अब ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है,
ये आ रहा है यहाँ तक आ रहा आएगा आपके पास, ठीक है। ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है। यहाँ पे एन फाइंड करना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर फोर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। इसको सॉल्व करने के टोटल थ्री मेथड्स हैं। पहला था फैक्टराइजेशन, दूसरा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों फार्मूला का यूज़ करके आपको एन का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। आप कोशिश करिएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए, क्योंकि इससे ईजिली बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये फार्मूला यूज़ करके एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने जो भी सॉल्व कर दिया है, आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो चैप्टर फोर अच्छे से पढ़े होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं तो आप बना सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अब आते हैं फाइव नंबर पे। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज़ फाइव, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, आप बुक में देखते रहिए क्वेश्चन, मैं रीड करते जा रहा हूँ। द फर्स्ट टर्म ऑफ द ऑफ एन एपी इज़ फाइव, द लास्ट टर्म इज़ 45, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए दिया है 5, लास्ट टर्म दिया 45। द लास्ट टर्म को आप एल लिखिए या ए एन, दोनों लिख सकते हैं। एंड द सम इज 400, सम दिया है 400। क्या फाइंड करना है आपको, एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमारा गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एस एन है हमारे पास, ठीक है, और ए भी हमारे पास, एल भी हमारे पास। यहाँ से आपको केवल एन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करिए, तो मिसिंग क्या हुआ, यहाँ पे केवल एन हुआ, तो सॉल्व कर सकते हैं। 400 दिया सम, एन बाई टू, ए का वैल्यू है 5, एल का वैल्यू है 45। सॉल्व किया, सॉल्व करते गए तो एन का वैल्यू कितना मिल गया, 16। अब क्या निकालना था आपको, डी का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए जो फर्स्ट फार्मूला पहले का हम लोगों ने जो पढ़ा था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करिए। ए एन मैंने बताया था कि जो हमारा लास्ट टर्म है वही हमारा ए एन होता है, ठीक है। तो ए एन के जगह पर 45 पुट कर दीजिए, ए के जगह पर 5 पुट कर दीजिए, और एन हमारा कितना निकला था, 16 निकला था। एन का वैल्यू कितना निकला था, 16। तो यहाँ पे 16 माइनस वन करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि कहाँ से ये 15 आ गया। एन इक्वल टू 16 था, 16 माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे 15 मिलेगा, उसके बाद डी। तो डी केवल बचा हुआ है यहाँ पे, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली हम लोग। ये 5 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 45 माइनस 5 40 हो जाएगा। 40 इक्वल टू 15D, 15D इक्वल टू हो जाएगा 40, तो D इक्वल टू हो जाएगा 40 बाई 15। सॉल्व करिए कितना मिलेगा, 8/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ है नहीं, केवल